Hello students, good morning students. So today we are going to continue our chapter, chapter number 4, and the name of the chapter is materials, metals and non-metals. बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी, ठीक है. रिएक्टिविटी सीरीज में हमने कौन कौन से एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं वो देखे थे, उनके सिंबल्स, उनके नेम, उनके उनको याद करने का तरीका देखा था, ठीक है. कुछ ट्रिक्स देखे थे और मैंने ये भी कहा था कि खुद के ट्रिक्स बनाएं, ठीक है. खुद के ट्रिक्स बनाओगे, खुद के नेम से कनेक्ट करोगे, या खुद के लाइफ में आपकी जो फैमिली मेंबर्स हैं या जो डेली लाइफ में आप जो चीज़ देखते हो, ठीक है, उनसे आप उसको कनेक्ट करोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा. मतलब ट्रिक्स अपने खुद के बनाएं, ठीक है, क्लियर. उसके बाद देखिए आज हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है. ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मैंने आपको कहा था रिएक्टिविटी सीरीज आप याद कर लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है, क्लियर. तो आई होप आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज याद कर ली होगी और अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप बड़े अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है. अब देखिए क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किसे कहते हैं. नाम से ही पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. मतलब इस रिएक्शन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगा. डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह, उसकी जगह से उसको हटाएगा, ठीक है. नाम से हमें यह पता चल रहा है कि इस रिएक्शन में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगा ही करेगा, क्योंकि नाम ही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंड इट इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. ये एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है, ठीक है. केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये हम समझ चुके हैं बच्चों, है ना. सो देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, तो इट इज द केमिकल रिएक्शन. भाई ये क्या, एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है. इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को. किसको डिस्प्लेस करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को. सो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम कंपाउंड. मतलब कंपाउंड सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है. अब इस कंपाउंड में से जो एलिमेंट लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव, उस लेस रिएक्टिव को हटा दिया जाएगा, उसकी जगह से उसको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, और उसकी जगह कौन ले लेगा, जो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो. इसको समझिए, जैसे एक बेंच पे आप बैठे हुए हैं अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है. आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हुए हैं एक बेंच पे, आप बड़े ही पतले हैं, जैसे आप, ये आप हैं, है ना, आप बड़े ही पतले हैं, वीक हैं, कमजोर हैं, और आप अपने साथ में एक बेंच पे अपने फ्रेंड के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है. ये आप हैं, ठीक, और ये आपका फ्रेंड जिसके साथ आप बैठे हुए हो. अब कोई एक तीसरा आपका क्लासमेट आया जो काफी मोटा है, काफी क्या है, मोटा है, ताकतवर है, ठीक है. तो ये जो बहुत ज्यादा ताकतवर है ना आपका तीसरा फ्रेंड, ये चाहता है कि आप इसके साथ ना बैठें, इसके साथ मैं बैठूं. ये आपका जो तीसरा क्लासमेट है ना, ये चाहता है कि इसके साथ कौन बैठे, ये बैठे, आप नहीं बैठोगे. तो ये आपका जो हट्ठा कट्टा जो मोटा फ्रेंड है वो क्या करेगा, आप तो बड़े पतले हो, कमजोर हो, आपके पास ये आएगा और आपको धक्का देके नीचे गिरा देगा, धक्का देकर नीचे गिरा देगा, और नीचे गिराकर खुद इसके साथ, खुद इसके साथ बैठ जाएगा, ठीक है.
इसके साथ ये खुद बैठ जाएगा। और आपको क्या कर दिया इसने, आपको इसने बिल्कुल अलग कर दिया, क्योंकि आप क्या थे, कमजोर थे, आपको इजीली इसने धक्का दिया और आपकी जगह पे ये खुद बैठ गया। बस ऐसा ही कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है, ठीक है। समझिए, ये हमारा एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक, क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, एक कंपाउंड है, CuSO4, ये आप हैं Cu और SO4 ये आपका दोस्त है, ये ठीक, और ये आप हैं Cu, दोनों साथ में बैठे हुए थे, CuSO4 दोनों साथ में थे, सॉल्ट सॉल्यूशन था। अब एक तीसरा, ये आप दोनों के बीच में कबाब में हड्डी Zn, ये आपका ये मोटा फ्रेंड Zn, ठीक है, ये आपका यहां पे है, आ गया। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, दोनों रिएक्टेंट है, केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, दोनों रिएक्टेंट है, रिएक्ट करेंगे। जब रिएक्ट करेंगे तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी है, रिएक्टिविटी सीरीज में हम Zn मेटल को पढ़ा है और Cu मेटल को भी पढ़ा है। अब आप रिएक्टिविटी सीरीज में बताइए कि Zn और Cu इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ऊपर कौन आता है, नीचे कौन आता है, बताइए। Zn ऊपर आता है ना, Zn ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है, जिंक आयरन टिन लेड हाइड्रोजन देन कॉपर, मतलब जिंक के बाद टिन, जिंक आयरन टिन लेड हाइड्रोजन एंड देन कॉपर, कॉपर बहुत बाद में आता है और जिंक बहुत ऊपर आता है कॉपर से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है रिएक्टिविटी सीरीज में हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी कम होती जाती है, मतलब कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, और कॉपर से ज्यादा किसकी रिएक्टिविटी है, जिंक की है, क्योंकि जिंक ऊपर था कॉपर से, तो ये ज्यादा ताकतवर है, लेस रिएक्टिव नहीं है ना, ये ज्यादा ताकतवर है, हाईली रिएक्टिव है कॉपर से तो ज्यादा है, तो ये इसके पास ताकत ज्यादा है। अब ये ना आपका ये मोटा फ्रेंड है, ये आएगा और आप तो हो वीक, कॉपर तो है वीक, लेस रिएक्टिव है बेचारा, तो ये जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को धक्का देकर इसको बिल्कुल अलग कर देगा, सेपरेट, और कॉपर की जगह पे खुद आ जाएगा, देखो ZnSO4, कॉपर की जगह पे Zn आ गया और कॉपर को बिल्कुल सेपरेट कर दिया अकेला, ठीक है ना, जैसे आप यहां पे अकेले हो गए थे, सेम उसी तरीके से। तो ये केमिकल रिएक्शन कौन सी केमिकल रिएक्शन कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब एक हाईली रिएक्टिव मेटल किसी लो रिएक्टिव एलिमेंट को कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दे, ठीक है, तो वो रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। अब CuSO4 का नेम क्या है, कॉपर सल्फेट, Cu मींस कॉपर और SO4 सल्फेट, ओके। इसका, इस सॉल्यूशन का कलर पता है, ब्लू, इस सॉल्यूशन का कलर क्या था, ब्लू कलर था, ठीक है। अब इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन में आपने जिंक के टुकड़े डाल दिए, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए, ग्रेन्यूल्स डाल दिया, तो क्या होगा, जिंक कॉपर की जगह ले लेगा, जिंक कॉपर की जगह ले लेगा और क्या बन जाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट। अब सॉल्यूशन जो ब्लू कलर था वो कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि अब यहां पे क्या आ गया, कॉपर तो रहा नहीं, कॉपर सल्फेट तो नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, जिंक सल्फेट,
तो ये सॉल्यूशन मेरा कलरलेस, कलर डीकलराइज हो जाएगा, ठीक है। और Cu सेपरेट हो गया अलग, ये Cu जो है कॉपर, उसका कलर क्या, रेडिश ब्राउन। कॉपर का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन। कॉपर आपका डिपॉजिट हो जाएगा किसके ऊपर, जिंक के स्ट्रिप के ऊपर। जिंक का जो स्ट्रिप होगा ना, उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। समझ में आ रही है चीज? तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं इसके, देखिए। आपके पास है FeSO4, क्या है FeSO4, Fe means iron, iron, iron sulfate, FeSO4, ठीक। ये FeSO4 का सॉल्यूशन है, ये FeSO4 का सॉल्यूशन है जिसका कलर होता है ग्रीन, कैसा, ग्रीन। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू, फिर आयरन सल्फेट का कलर ग्रीन सॉल्यूशन। इसके अंदर आपने डाल दिया Zn, क्या डाल दिया, Zn डाल दिया, जिंक, जिंक के टुकड़े डाल दिए। तो अब बताओ कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या इस सॉल्ट सॉल्यूशन में ये जो एलिमेंट है Fe मेटल, वो ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? पहले कौन आता है, पहले आता है जिंक, फिर आता है आयरन। तो जिंक और आयरन में ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, जिंक। तो जिंक क्या करेगा, इस कमजोर जो बहुत लेस रिएक्टिव है, वीक है, उसको ये धक्का दे देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस करके इसकी जगह ये ले लेगा और बन जाएगा ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस Fe। समझ में आ रही है चीज, क्लियर? तो ये भी एक एग्जांपल है किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब ये ZnSO4 बन गया, तो ये सॉल्यूशन भी कलरलेस, पहले ये ग्रीन कलर का था जब FeSO4 था, बट अब ये ZnSO4 हो चुका है, तो ये कलरलेस सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर? तो जितने मेटल्स होते हैं बेटा, मेटल्स, ऑल मेटल्स शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करते हैं। देखिए बेटा, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स डू नॉट शो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। बट सम मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स, कुछ ऐसे नॉन मेटल्स जो रिएक्टिव हैं, वो डिस्प्लेस कर देते हैं किसी लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को, ठीक है, क्लियर? उसमें देखिए, एक एग्जांपल देखिए, जैसे मेरे पास है 2KBr, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड, के मतलब पोटेशियम, बी आर ब्रोमाइड, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड मेरे पास एक सॉल्ट है, ठीक। अब इसकी रिएक्शन मैंने Cl2 के साथ करवाई, क्लोरीन के साथ करवाई, तो जब मैं क्लोरीन के साथ करवाऊंगी, तो जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। मोर रिएक्टिव नॉन मेटल जैसे ये क्लोरीन Cl2, ये और ये हमारा ब्रोमीन, ठीक है, ये Cl2 ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है Br से, ठीक है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद इसकी जगह पे आकर Br को बाहर सेपरेट कर देगा और प्रोडक्ट बना जाएगा 2KCl, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, साथ ही साथ में ब्रोमीन को सेपरेट कर देगा, ठीक है। तो मैक्सिमम नॉन मेटल्स तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हुए नहीं दिखेंगे, बट
कभी कभी कुछ ऐसे मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हुआ बेटा, ठीक है।